हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा है गणित का पेपर, अंक है हमारे 40। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन सा पेपर कितने नंबर का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, चलिए अच्छे से सब पेपर करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो 5 × 9 कितने होते हैं, तो 5 का पहाड़ा आपको 9 बार पढ़ना है, तो हमें 5 × 9 का पता लग जाएगा। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, 9 का पहाड़ा 5 बार भी पढ़ सकते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, 45, 9 × 5 = 45 हमारा आंसर आ जाएगा। अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, तो गिन लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो अक्टूबर के बाद क्या आता है हमारा, नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा आंसर हमें पता चल गया है कि ये यहाँ पे नवंबर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपए का प्रतीक क्या है, तो बच्चों ये वाला हमारा रुपए का प्रतीक है, साइन है। प्रतीक मतलब होता है कौन सा साइन हमारा रुपये का है, तो ये हमारा नया वाला रुपए का साइन है। मैं बड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके, ध्यान रहे। चलिए मैं इसको आपके लिए गोले में भी बंद कर दिया हूँ। 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 का भाग हम 14 में दे के देखते हैं। चलिए, दो का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 14 आ जाए। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14। तो कितना आएगा, 7 से अगर भाग देंगे तो 14 को पूरा भाग चला जाएगा 2 का। 1 कप की दूध की क्षमता कितनी होती है, तो कप छोटे होते हैं तो किलोमीटर लीटर नहीं हो सकता बच्चों, तो मिलीलीटर होगा, ml। देख लेना आप, ml लिखा हुआ होता है। दूध की छोटी थैली लेते हैं तो यानी मिलीलीटर। ठीक है, चलो सही या गलत बताना है हमारे 5 अंक का ये हमारा क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं, 6 × 54, तो क्या ये 6 × 54 सही है। चलिए, हाँ ये सही है, 6 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 54 ही आएगा। भारतीय मुद्रा रुपया है, जी हाँ भारतीय मुद्रा रुपया है, यानी मुद्रा यानी करेंसी, जो पैसा चलता है उसे रुपया बोला जाता है, करेंसी इंग्लिश में उसको कहते हैं। 1 दिन में 60 घंटे होते हैं, गलत, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं। गुणा को बार बार जमा करना होता है, हाँ सही, गुणों को बार बार ही जमा करना होता है। एक छोटी बोतल में दवाई लीटर में नापी जाती है, नहीं गलत है ये, वो मिलीलीटर में मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 फरवरी 2013 को अंकों में लिखो, तो 3 फरवरी
फरवरी यानी दूसरा महीना 2013 ये हमारा अंकों में हो गया है। हमारे पास 20 पेंसिल हैं, यदि हमें उन्हें 4 बच्चों में बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी, तो 20 में यहाँ 4 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है, तो प्रत्येक बच्चे को 5 पेंसिल मिलेंगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 पेंसिल। सीना के पास 180 रुपये थे, उसने 100 रुपये का पिज्जा खरीदा, उसके पास कितने रुपए शेष बचे, तो 180 में से 100 रुपए हम घटा देंगे तो कितने रुपए बचेंगे, 0 0 0, 8 का 8 और 1 में से 1 गया तो 0, तो टोटल कितने रुपए बचेंगे हमारे पास, सीना के पास 80 रुपए टोटल बच जाएंगे। 1000 मिलीलीटर नींबू पानी को परोसने के लिए आपको 250 ml के कितने गिलासों की आवश्यकता होगी, एक हज़ार मतलब ठीक है 1 लीटर, और यदि 250 ml की बात करें तो 250 ml को जोड़ लेंगे जब तक कि 1000 नहीं हो जाता, तो देखो 0 0 0, 5 5 5 5 5 5 2 10, 5 3 15, 5 6 20, 20 की 0 हासिल लगा 2 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, तो ये हो गया हमारा 1000, कितने कितने गिलास आए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, तो कैसे हो गया हमारा ये, कितने गिलासों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 4 गिलासों की। 16 के गुणक के लिए गुणक तथ्य लिखिए, यहाँ पे आपको 16 का पहाड़ा पूरा लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको 16 का पहाड़ा लिख देना है, ठीक है, 16 एकम 16, इतना पूरा 16 का पहाड़ा यहाँ लिख दोगे। चलिए चित्र पर आधारित प्रश्न, रोहन, गीता, आविद और रीनू ने अपनी पेंसिलों को बेकार कागज की बराबर चौड़ाई की बनी हुई पट्टियों से मापा, उन्होंने अपनी पट्टियों को नीचे दिखाए अनुसार चिपकाया है, पेंसिल की लंबाई हमें इधर दे रखी है, ये यहाँ नाम दे रखे हैं रोहन, गीता, रीनू, आबिद। चलिए देख लेते हैं, आबिद की पेंसिल की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, तो आबिद की पेंसिल की लंबाई यहाँ हम देखो ये 10 वाली लाइन पे है, तो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। रोहन की पेंसिल की लंबाई कितनी है, तो रोहन की कितनी है ये देखो 8 वाली लाइन पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। रोहन की पेंसिल गीता की पेंसिल से छोटी है या लंबी है, रोहन की पेंसिल गीता की पेंसिल से छोटी है, तो यहाँ लिखेंगे छोटी, यहीं का जगह कम है इसलिए मैंने इधर लिखा है। के पास सबसे लंबी पेंसिल है, भाई सबसे लंबी पेंसिल है रीनू के पास, 2 दिए गए, तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते, दिया गया बोर्ड हर कक्षा के कुल छात्रों की उपस्थित और अनुपस्थिति के बारे में जानकारी देता है, उपस्थित बोर्ड छात्रों की संख्या ये, और चलो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं, चलो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं ये हमको गिन लेने हैं, तो यहाँ पे हम गिन के देखेंगे, ये कितना होता है 7 और 6 होता है बच्चों 13 13 और 5 18 18, और 8 होता है 26, एक बार फिर से गिन लेते हैं नीचे से, 8 5 13 13 और 6 19 19 और 7 26, हासिल लगा 2, तो 4 और 3 7 7 3 7 और 3 10 10 3 13 13 और 3 16 16 2 18, फिर से गिनेंगे हम 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 और 3 16 16, और हासिल वाला 2 कितना हुआ 18, ठीक है, कंफ्यूज किसी को, गिनेंगे फिर से 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 और 3 16 16 और 2 18, तो टोटल कुल स्कूल में बच्चे कितने हो गए हमारे 186 बच्चे।
बच्चे या छात्र। स्कूल में कुल कितने छात्र अनुपस्थित थे भाई, एब्सेंट कितने थे, चलिए देख लेते हैं, उनको भी गिन लेंगे हम। 2, 3, 5, 5 और 4, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, ठीक है। ऊपर से फिर से गिनेंगे, 1, 1 और 2, 3, 3, 4, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, फिर नीचे से गिनेंगे, 3, 2, 5, 5 और 4, 9, 9, 2, 11, 1, 12, तो गिन लिया ऊपर नीचे, दोनों से गिनो ताकि गलती ना हो। स्कूल में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, तो वो भी हम यहाँ पे आपको गिनेंगे, 8, 5, 13, 13, 1, 14, 14, 4, 18, 18 और 6, 24, तो फिर से एक बार ऊपर से गिनेंगे, 6, 4, 10, 10, 10 और 1, 11, 11 और 5, 16, 16 और 8, 16 और 8 कितने हो गए बताओ भाई, 24, 24 का 4 हासिल लगा, 2, 8, 5, 13, 13 और 1, 14, 14 और 4, 18, 18, 6, 24, 24 का 4 हासिल लगा, 2, चलिए, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 15 और 2, 17, तो यहाँ कुल उपस्थित छात्र थे 174। अब देखो अगर अनुपस्थित निकल जाएगा, अगर आप ऐसे निकालेंगे तो देखो एक ट्रिक बहुत ही अच्छे, इस ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 186 हमारे, अभी पता चल जाएगा हमारा आंसर गलत है सही ये हुआ है कि नहीं। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 0, तो टोटल हमारे इधर वाले बच्चे निकलाए, डिफरेंस अंतर हमारा निकलाया कि ताकि हमको पता चल गया हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 बच्चे का डिफरेंस आ रहा है वो एब्सेंट है, ठीक है। यदि महीने का पहला सोमवार 5 तारीख को है तो अगला सोमवार कब आएगा, चलिए देख लेते हैं अगला सोमवार कब आएगा भाई, 5 में 7 दिन बाद अगला सोमवार आएगा, तो गिन लेते हैं, 6 को हमारा हो जाएगा भाई, 6 को मंगलवार, 7 को बुधवार, मुझे पता है 12 तारीख को आएगा लेकिन फिर भी गिन लेते हैं, 8 को गुरुवार, 9 को शुक्रवार, 10 को शनिवार, 11 को रविवार, 12 को सोमवार, तो पता चल गया ना भाई, 5 में अगर 7 जोड़ देंगे अगले 7 दिन का, क्योंकि सप्ताह होता है तो हमें वही अगला दिन मिल जाएगा, तो हमारा 12 तारीख को सोमवार आएगा, कितना आएगा 12 तारीख हमारा आंसर हो जाएगा, कितना होगा हमारा आंसर 12 तारीख को सोमवार आएगा। फिर से मैं बता दूँ, रिपीट कर दूँ कि सोमवार कब आएगा, तो वो 12 तारीख को आएगा, ठीक है। मोनू के पास 4 गमले हैं, यदि प्रत्येक गमले में 6 फूल हैं तो कुल कितने फूल हुए भाई, 4 गमले हैं पर में 6 फूल हैं, तो 6 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आप हमें मुझे कमेंट में बता देना कितना आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ आपके लिए ये छोड़ देता हूँ खाली बॉक्स, चलिए इधर तो मैंने लिख दिया लेकिन ये खाली बॉक्स में आपको कमेंट में आंसर मुझे बताना है, ठीक है। यदि 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा ये आपको, क्योंकि 1 गमले में 6 फूल हैं, है ना, 4 गमले हैं, 1 गमले में 6 हैं, तो 4 गमलों में कितने होंगे आपको यहाँ पे गुणा करके मुझे बता देना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट सॉल्व हो गई है, और भाई जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दो, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली इस तरीके से 8 बजे पूरा इस वीडियो के आपके जो एग्ज़ाम है उनका सॉल्यूशन लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।